अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आकाश हत्याकांड में बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। ताबड़तोड़ दबिश डालने के बाद भी डॉक्टर और उसका परिवार पकड़ से दूर बना हुआ है। परिवार के लोगों ने आवास पर एसएसपी से मिलकर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। 11 जनवरी को रिठानी निवासी ऋषिपाल के बेटे आकाश के पड़ोसी डॉक्टर प्रदीप ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर डंडों से पिटाई कर दी थी। उसके शरीर पर 56 फ्रैक्चर आए थे, जिसके चलते 17 दिन बाद आकाश ने दम तोड़ दिया था। गुरुवार को एसएसपी के आदेश पर एसओ सतीश कुमार ने डॉक्टर के घर को कुर्क करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। वहीं अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए कुर्की के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज डॉक्टर के आवास पर कुर्की को अंजाम दिया गया। एसएसपी ने भरोसा दिलाया था कि डॉक्टर की संपत्ति कुर्क करने के बाद घर पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। इसी के चलते आज एसएसपी ने पीड़ित परिवार की पुकार को सुनते हुए डॉक्टर प्रदीप के घर पर बुलडोजर चलवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि यदि आज कुर्की करने के बाद भी डॉक्टर और उनकी पत्नी को यदि पता नहीं चल पाया तो जल्द ही आगे का कार्य सुनिश्चित कर दोषियों पर इनाम घोषित किया जाएगा। आकाश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त डॉक्टर प्रदीप है, उसकी पत्नी है, इनकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय न्यायालय के आदेश से 83 का आदेश प्राप्त किया गया कल और आज उस आदेश के अनुपालन में इनके घर की कुर्की कराई गई। सर, इसमें अगली कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी और माननीय न्यायालय से पुनः इनाम घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।